हाल ही में मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दिया था जिसमें उन्होंने सिर्फ सेना की ही नहीं बल्कि पूरे देश की भावनाओं को आहत किया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना था कि अगर कभी युद्ध की स्थिति होती है तो भारतीय सेना को तैयार होने में 6 महीने लगेंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता 3 दिन में तैयार हो जाएंगे। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मोहन भागवत के बयान की कड़ी निंदा करते हुए उनके समक्ष तीखे सवाल खड़े कर दिए। मायावती ने भागवत के इस बयान को आपत्तिजनक व अपमानजनक बताया और कहा, अगर श्री भागवत को अपने मिलिटेंट स्वयं सेवकों पर इतना ही भरोसा है तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए सरकार के खर्चे पर विशेष कमांडो क्यों ले रखे हैं। इसके साथ ही मोहन भागवत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मायावती ने कहा, ऐसे समय में जब भारत विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है तब ऐसे बयान से भागवत ने सेना का मनोबल गिराने वाला काम किया है और उन्हें इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें अपने इस बयान के लिए देश से माफी भी मांगनी चाहिए। अब आरएसएस के स्वयंसेवकों को यह भ्रम भी दूर कर लेना चाहिए कि वह निस्वार्थ काम कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आरएसएस अब एक सामाजिक संगठन न रहकर राजनीतिक संगठन बनता जा रहा है और उनके स्वयंसेवक सामाजिक कार्यों को ताक पर रखकर बीजेपी की चुनावी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम्स।